वन पावरफुल आयुर्वेदिक टेक्निक फॉर डिटॉक्सिफाइंग योर थायराइड ग्लैंड। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके थायराइड ग्लैंड को क्लीन करने के लिए बहुत ही आसान और इफेक्टिव है। इसके लिए हमने इस वीडियो को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो आप इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, और इसीलिए इस वीडियो का हर एक पार्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी क्लींजिंग भी आप तभी कर पाएंगे जब इसको समझ पाएंगे। तो इन तीनों पार्ट्स में है क्या, पहले हम वो देख लेते हैं। पहला पार्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लींजिंग। तो पहले भाग में हम बात करेंगे कि आपका थायराइड ग्लैंड को क्लीन करना क्यों ज़रूरी है, और क्लीन करने से आपकी जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है थायराइड की, उसमें क्या इम्पैक्ट या फिर क्या इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड भाग में हम बात करेंगे कि आपकी थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। आखिर इस टेक्निक में ऐसा क्या है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड को ये स्वस्थ बनाती है। और तीसरे भाग में हम जानेंगे कि इस टेक्निक को करना कैसे है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि संपूर्ण जानकारी। तो शुरू करते हैं पार्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लींजिंग। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को रिवर्स करने का एक मूल मंत्र होता है कि सबसे पहले आप उस अंग की सफाई करें या फिर उस अंग की पूरी तरीके से क्लींजिंग करें। इसी तरह अगर आप थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं, थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने थायराइड ग्लैंड की स्पेसिफिक क्लींजिंग करना बेहद ज़रूरी है। ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक होती है कि सिर्फ क्लींजिंग यानी कि सफाई मात्र से ही आपके थायराइड ग्लैंड पूरी तरीके से नॉर्मल होने लगता है। इसमें न सिर्फ आपका TSH रिवर्स होता है, बल्कि शरीर के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, जितने भी सिम्टम्स होते हैं एक थायराइड पेशेंट के अंदर जो कि हम आम तौर पर देखते हैं, वो सारे सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं। चाहे वेट गेन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, थकावट हो, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द या फिर बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स। इस टेक्निक को अगर सही तरीके से और नियम के साथ किया जाए तो मात्र 3 महीने में ही आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। चाहे थायराइड डिसफंक्शन हो या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लेकिन एज अ डाइट एंड न्यूट्रिशन कोच एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसके साथ साथ ना आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप अनडाइजेस्टेड फूड या फिर ऐसा कोई भी खाना खा रहे हो जिसमें थायराइड पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, तो ऐसे खाना खाने के साथ साथ ये आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा, थोड़ा मुश्किल हो। चाहे किसी को हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपरथायराइड हो, दोनों ही कंडीशन में थायराइड ग्लैंड में टॉक्सिन्स जमा होने पर अक्सर ये डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। इस तरह के टॉक्सिन्स ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करते हैं, इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड पूरे तरीके से काम नहीं कर पाता और थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, रिजल्टिंग हाई TSH जो कि आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में देखते हैं। अब बारी आती है दूसरे भाग की, जिसमें हम जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड की सफाई करने के दौरान आपकी आखिर आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर हो क्या रहा है, कैसे आपका थायराइड ग्लैंड पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाता है और T3 एंड T4 का प्रोडक्शन भी बिल्कुल सही तरीके से होने लगता है। इसमें दो तरह की गंदगी होती है या दो तरह के टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। कुछ ऐसे जो कि पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि फैट या फिर तेलों में घुलनशील होते हैं, जिनको हम वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन्स या फिर फैट सोल्यूबल टॉक्सिन्स कहते हैं। तो जो गंदगी पानी में घुलनशील होती है वो तो हमारे शरीर में पानी के साथ निकल जाती है जब भी हम पानी का या किसी भी लिक्विड डाइट का सेवन करते हैं, लेकिन फैट में घुलनशील गंदगी तभी पानी में बाहर नहीं निकलती है, इसीलिए हमें इस टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद अपने ग्लैंड में कोई भी गंदगी नहीं रह जाती और ग्लैंड पूरे तरीके से स्वस्थ होकर काम करता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड भाग के यानी कि तीसरे भाग के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ये आयुर्वेदिक टेक्निक है क्या और इसको कैसे किया जाता है। इन दिस टेक्निक
फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स को ग्लैंड से निकालने के लिए हमें खाली पेट तीन तरह के तेलों का सेवन करना पड़ता है एक एक हफ्ते के दौरान। और ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी, फर्स्ट वीक में कौन सा लेना है, सेकेंड वीक में कौन सा लेना है और थर्ड वीक में कौन सा लेना है। इन तीनों तेलों के फायदे भी अलग अलग होते हैं, जो कि हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो इसके लिए हमें हफ्ते में कौन कौन, पहले हफ्ते में कौन सा तेल लेना चाहिए, सिसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल। पर ध्यान रहे, ये तेल कोल्ड प्रेस और वर्जन सिसमी ऑयल ही होना चाहिए। जब भी खाली पेट तिल के तेल का सेवन किया जाता है, थायराइड ग्लैंड जो के अंदर जो फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स होते हैं वो इस तेल के साथ घुलकर ग्लैंड से बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ इस समय पर ये टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर इधर उधर घूमने लगते हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट का सेवन करना चाहिए ताकि ये टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल सके और हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल सके। एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना है कि जब भी हमारा शरीर डिटॉक्सिंग मोड पर होता है उस समय हमारी बॉडी के कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, बॉडी में कुछ सिम्टम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि चक्कर आना, सर में भारीपन होना, जीका मचलाना या फिर वॉमिटिंग होना। ये सभी बहुत सामान्य और बहुत ही नॉर्मल होता है, जिससे कि हमारा शरीर जमा गंदगी को बाहर निकाल रहा है। तो इस समय पर घबराना नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी या लिक्विड लेकर अपने शरीर को सपोर्ट करना है ताकि वो सारी शरीर से गंदगी बाहर निकल सके। जब हम पहले हफ्ते में तिल का तेल का सेवन करते हैं तो शरीर में केवल फैट्स जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ही बाहर नहीं निकलते हैं, बल्कि इसके दूसरे और बहुत ही ज़बरदस्त फायदे होते हैं जो एक थायराइड पेशेंट के बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, जिनको मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी ताकि आप भी इस चीज़ को समझ सको कि ग्लैंड से केवल गंदगी ही बाहर नहीं निकलती है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ऑल ओवर जो हम सिम्टम्स देखते हैं उनके ऊपर भी ये ऑयल्स कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो पहला आता है, क्योंकि तिल का तेल तासीर में गर्म होता है तो ये शरीर की जठर अग्नि को भी बढ़ा देता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी बूस्ट कर देता है। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है या इस तरह की समस्याओं को भी हल करता है और बाउल मूवमेंट को क्लियर करता रहता है। सेकंड, थायराइड पेशेंट को अक्सर ठंड बहुत लगती है, उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो क्योंकि ये तेल तासीर में गर्म होता है इसलिए ये इसके कूलिंग इफेक्ट को भी आपकी बॉडी के अंदर कम करता है। थर्ड, क्योंकि तिल का तेल शरीर के अंदर वात को कम करता है इसलिए जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है ये उसमें भी 100% रिलीफ जो है वो आपको दिलवाता है। हमने आयुर्वेद के अनुसार अक्सर सुना है कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है उनकी बॉडी के अंदर वात बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो तिल के तेल का सेवन करना या फिर तिल के तेल से मालिश करना उस जगह पर या पूरी बॉडी में, ये सारी ही चीज़ें आपके जो वात के द्वारा बढ़े हुए दर्द हैं जोड़ों के उनमें आपको बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ दिलवाता है। और फोर्थ नंबर पर आता है, इट कॉन्टेन्स ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड एंड हैव वेरी टू पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सिसमोल एंड सिसमिनोल। ये ही बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो जमा गंदगी होती है उसको शरीर से बाहर और ग्लैंड से बाहर निकालते हैं। पांचवा, ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाला है कि तिल का तेल मात्र सेवन से ही कितने सारे फायदे आपको होते हैं। पर आता है, तिल के तेल का सेवन शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, खासकर LDL एंड ट्राइग्लिसराइड। एक स्टडी के दौरान देखा गया है कि सुबह खाली पेट 4 चम्मच तिल के तेल का सेवन करने से शरीर के अंदर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम हुए एज कंपेयर्ड विद हु कंज्यूम ऑलिव ऑयल। इसके बाद हमने दूसरा हफ्ता आता है, सेकेंड वीक जो आता है उसमें हमें खाली पेट किस तेल का सेवन करना है, वो है पीनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल। इट शुड बी कोल्ड प्रेस एंड वर्जन ग्राउंडनट ऑयल। पीनट ऑयल इज अ एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। पीनट ऑयल में न सिर्फ हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है बल्कि ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। इसके अंदर पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट
शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स से हमें प्रोटेक्ट करता है। जब भी शरीर के अंदर एक्टिव हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है तो उस समय शरीर में कई तरह के फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। उन फ्री रेडिकल्स को ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर से बाहर निकालता है और हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको भी ये हेल्दी रखता है। इसके बाद थर्ड वीक में सेवन करना है हमें कोकोनट ऑयल का, यानी कि नारियल तेल। ये कोल्ड प्रेस और वर्जन होना चाहिए दोनों तेलों की तरह। कोकोनट ऑयल में 60% एमसीटी ऑयल होता है, यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल होता है, जो कि शरीर में बढ़े हुए वजन को भी कम करने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेशन को इम्प्रूव करने की एबिलिटी होती है। इसलिए शरीर के अंदर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करने की ताकत भी शरीर के अंदर बनती है और साथ साथ ये शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जो लोग नियमित रूप से कोकोनट ऑयल का सेवन करते हैं उनके अंदर ब्रेन फंक्शन भी बेटर होता है, जैसे कि ब्रेन फॉग सही होता है, याददाश्त जो लोगों की याददाश्त जो है वो कमज़ोर होता है हो जाती है उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करता है, और त्वचा को जो हमारी त्वचा पर यानी कि स्किन के ऊपर जो एजिंग होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है, स्किन को भी बेटर बनाता है। कोकोनट ऑयल एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होता है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तो ये उसको भी ठीक करता है। जिन लोगों को हाशिमोटोज होता है उन लोगों के लिए नारियल का तेल वरदान होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का रूट कॉज इन्फेक्शन ही होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर 3 महीने तक रेगुलर इन तीनों तेलों का सेवन किया जाए तो न सिर्फ थायराइड ग्लैंड को डिटॉक्स करके थायराइड को रिवर्स कर किया जा सकता है, बल्कि इट इम्प्रूव्स योर लिपिड प्रोफाइल्स आल्सो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, फैट कट्स फैट। तो जो लोग भी ओबेज हैं या जिन लोगों का भी वजन बढ़ा हुआ है या फिर किसी भी कारण से कोई भी हार्मोनल इम्बेलेंस शरीर के अंदर देखा जाता है तो ये आयुर्वेदिक टेक्निक उन सभी परेशानियों का एकमात्र सॉल्यूशन होती है। अगर आप एक थायराइड पेशेंट हैं तो आप इस आयुर्वेदिक टेक्निक को एक बार ज़रूर अपनाएं, और जब आप इस चमत्कारी आयुर्वेदिक टेक्निक को के लाभ आप देखेंगे अपने शरीर के ऊपर तो आप हैरान हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आपका थायराइड ग्लैंड में जमा हुई गंदगी ही आपके इस बीमारी का कारण थी। इसी के साथ साथ एज अ डाइटिशियन मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपके शरीर में फैट सॉल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई एंड के अगर शरीर के अंदर कम रहता है तो इस टेक्निक के साथ ये समस्या भी हल हो जाएगी। यू कैन टेक पर्सनल कंसल्टेशन विद मी एंड फाइंड द डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस कॉन्टेंट। सो स्टे फिट एंड हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय।